हेलो डियर स्टूडेंट, राइट। तो फिर हम लोग आज इकोनॉमिक का बोर्ड पेपर डिस्कस कर रहे हैं, कैसे क्या पैटर्न है, कौन सा कितना मार्क्स के आएगा। और बाद में मैंने इकोनॉमिक्स का पूरा बुक समझा के प्लेलिस्ट में बना दिया हो, तो डिस्क्रिप्शन में दिया है, यू कैन चेक। ओके, पूरा बुक एक्सप्लेनेशन दिया है। तो पहले जो 20 मार्क का ना, वो ऑब्जेक्टिव्स की शक्ल में आएगा, राइट। तो ऑब्जेक्टिव्स का शक्ल 5 है। तो पहला 5 मार्क का क्या आएगा, ब्लैंक्स आएगा विथ ऑप्शंस, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक डील विथ प्राइस थ्योरी, मनी मार्केट का कौन सा शॉर्टेज होता है, मनी मार्केट में इनएडिक्वेट सेविंग, पब्लिक सेविंग निकालेगी तो मनी मार्केट शॉर्टेज। मतलब पहला 5 मार्क का कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, मतलब ऑप्शन दिए रहेंगे, इधर 5 मार्क तुम लोगों को मिल जाएगा। और दूसरा 5 मार्क आएगा ऑड वर्ड, फाइंड द ऑड वर्ड आउट, या मैच द फॉलोइंग आएगा, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। जैसे इधर रेवेन्यू कौन सा दिया, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू, तो रेवेन्यू रेवेन्यू इसमें कॉस्ट आ जाएगा ना यार। बैंक रेट का कौन सा टूल होता है, बैंक रेट, क्वांटिटी मतलब नंबर्स, तो बैंक रेट आता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन आता है, एक है फॉरेन एक्सचेंज रेशियो, तो वेरिएबल एक्सचेंज रेशियो नहीं होता है ना। तो इस तरह तुमको क्या करने का, ऑड वर्ड ऑड आएगा, राइट। नॉन टैक्स रेवेन्यू मतलब गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है, फीस से आता है, पेनल्टी आता है ना, स्पेशल लेवी, वेल टैक्स, तो इसमें से क्या लेने का, नॉन टैक्स लेने का। तो नॉन टैक्स में क्या आएगा, स्पेशल, ये वेल टैक्स नहीं आएगा, वेल टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है, तो वो सॉरी डायरेक्ट नहीं होता, वो नॉन टैक्स रेवेन्यू में आता है। तो ऐसा आपको ऑड वर्ड ऑड आएगा। और दूसरा 5 मार्क आएगा इकोनॉमिक टर्म आएगा, क्या आएगा, इकोनॉमिक टर्म का मतलब होता है कि इसका एक आपको मीनिंग लिखना पड़ेगा, जैसे कि डिजायर विच इज बैक बाय विलिंगनेस टू परचेज एंड एबिलिटी टू बाय, उसको बोलते हैं डिमांड, क्या बोलते हैं इसको, डिमांड बोलते हैं ना। डिग्री ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी ऑफ डिमांड टू चेंज इज प्राइस, उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, है ना। स्वाति ने क्या किया, परचेज किया रेनकोट फॉर हिज फादर इन रेनी सीजन, तो टाइम यूटिलिटी क्या हो गया। तो इस तरह आपको गिव द इकोनॉमिक टर्म आएगा 5 मार्क के लिए। और जो नेक्स्ट 5 मार्क का है ना, बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन, मतलब आपको दिया रहेगा ए और आर करके दिया रहेगा, और उसका ऑप्शन भी दिया रहेगा, तो चारों में से एक आंसर रहेगा जो तुमको एक मार्क्स देगा, तो रीड करके अपने को आंसर लिखने का। जैसे कि इधर क्या बोला है, परफेक्ट कंपटीशन मतलब PCM, एक मार्केट है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, प्राइस इज डिटरमाइंड बाय फोर्स एंड डिमांड, मतलब प्राइस कौन बनाता है, डिमांड और सप्लाई बनाता है, तो ये राइट बोला है। नंबर ऑफ बायर एंड सेलर इज लार्ज, बहुत सारे होते हैं, दैट 1% कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस, ये भी सही बोला है। तब इधर क्या बोला है, अपनों को ढूंढने का, तो उन्होंने बोला ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, नहीं है ये भी नहीं, मतलब दोनों सही है, ये भी नहीं है, बोथ ए एंड टू आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए, तो ये वाला आंसर राइट है। तो ये आंसर तुमको उठा के लिखने का है, ये क्वेश्चन उन्हें लिखना, डायरेक्ट आंसर लिखना, ये पूरी लाइन उठा के लिख देने का है ना। तो ये असर्शन रीजनिंग, फिर दूसरा दिया है, ऐसे 5 आएंगे, कितने आएंगे ऐसे 5, तो 5 अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। अभी जैसे एक दिया ये, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इज अंडरटेकन बाय कमर्शियल बैंक और RBI has to maintain official rate of exchange rate of rupee and ensure stability. तो foreign exchange management control undertaken by commercial bank. तो ये false है। ये क्या है? Foreign exchange management कौन control करता है? Foreign authority. RBI control करता है. कौन करता है? RBI. तो first वाला false है और R is true है ना? तो ऐसा तुमको answer mention करके लिखना रहेगा। ये 20 mark का objectives हो गया। कितने mark का? 20 mark का। फिर जो next है ना, question number 2 है, वो कितने mark का? 6 mark का। कितने mark का है? और दूसरा 6 मार्क का डिस्टिंग्विश है, तो 6 और 6 12 होएगा। तो ये भी बच्चे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं इसमें क्या लिखने का, कैसे सॉल्व करने का। जैसे कि ना क्या दिया है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, मतलब इसको पहचानो और फिर वो कॉन्सेप्ट के बारे में समझाओ। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अभी तुमको एक एग्जाम्पल देके समझा दो, जैसे कि सुनो इधर क्या दिया है, वृंदा रिसीव मंथली पेंशन, क्या मिल रहा है उसको, पेंशन, कितना मिल रहा है, गवर्नमेंट से मिल रहा है, तो ये नेशनल इनकम चैप्टर का है। तो जो पेंशन आता है ना पैसा, ग्रेचुटी आता है, उसको ट्रांसफर इनकम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो इसका एक मार्क मिलेगा। फिर इसका एक्सपेंशन लिखेंगे, एक द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अनदर पर्सन एंड रिसीव बाय इंडिविजुअल इन द फॉर्म ऑफ इनकम, बिना किसी काम के जो पैसा आता है उसको क्या बोला जाता है, तो ट्रांसफर इनकम के बारे में लिख देने का था तुमको दो लाइन, है ना। अब जैसे कि और एक इधर दिया है कॉन्सेप्ट, इधर क्या दिया है, सलमा परचेज स्वेटर, क्या खरीदा, फॉर फादर इन विंटर, तो ठंडी के लिए क्या खरीदा, स्वेटर, तो टाइम यूटिलिटी, फिर टाइम यूटिलिटी के बारे में मतलब लिखने का, हैज़ द यूटिलिटी चेंजेस, मतलब हैज़ द टाइम चेंजेस यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी ऑल्सो चेंजेस, तो टाइम का एग्जाम्पल डाल देने का था। तो इस तरह तुमको कॉन्सेप्ट आएंगे, 6 आएंगे, कितने आएंगे आपको, सॉरी 5 आएंगे आपको, 3 लिखने रहेंगे, राइट। जैसे अगर और एक चीज़ पढ़ा दो तो इधर दिए देखो, संतोष इंस्टेड ऑफ डिमांडिंग मोर, मतलब ज़्यादा खरीदने के बदले वो कम खरीद रहा है, जबकि उसकी सैलरी भी बढ़ गई, क्या बढ़ गई है, तो जब इनकम बढ़ता है पर डिमांड नहीं बढ़ता, उसको नेगेटिव इनकम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एग्जाम्पल आएगा इन्फीरियर गुड्स, खराब गुड्स जो रहता है ना, तो जो आप लोग ने पूरा पढ़ा वही सब है। तो ऐसे ये है, इसमें तो 3 लिखना रहेगा, कितना लिखना रहेगा, जैसे इधर दिया इंग्लैंड ने गुड्स इंपोर्ट किया फ्रॉम इंडिया, तो इंग्लैंड ने किससे माल खरीदा, इंडिया से खरीदा, और बेचा किसको, मलेशिया को, मतलब वो खरीद भी रहा है बेच भी रहा है, तो उसको बोलते हैं एंट्री पोर्ट, क्या बोलते हैं उसको,
जो कंट्री परचेज भी कर रहा है सोल्ड भी कर रहा है, अगर सिर्फ माल खरीदेगा इंपोर्ट करेगा तो इंपोर्ट के बारे में डालते हैं, बेचता तो एक्सपोर्ट के बारे में डालते हैं। तो एक वाला टॉपिक आएगा तुमको, तो ऐसे कितने आएंगे आपको मालूम है क्या? 5-6 आएंगे। और कितने लिखने हैं? मीनिंग लिखना है और उसका एक्सप्लेनेशन देना है। फिर डिस्टिंग्विश आएगा, क्या आएगा? एग्जाम में डिस्टिंग्विश कुछ भी आता है, किधर से भी आता है, तो तुमको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए आंसर का, उसका डिस्टिंग्विश बना के डाल देने का। कम से कम दो मार्क, एक डिस्टिंग्विश 2 मार्क है तो 3 पॉइंट तो लिखना ही पड़ेगा, एग्जाम वाला डायग्राम बना देने का, राइट? तो 6 मार्क का डिस्टिंग्विश, 6 मार्क का आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एक्सपर्ट, ये 12 मार्क का हो गया, राइट? ये भी ऑब्जेक्टिव के शक्ल्स में हो गया। अभी नेक्स्ट क्या दिया है? शॉर्ट नोट्स आएगा, क्या आएगा? शॉर्ट नोट। तो माइक्रो मैक्रो आ सकता है, रेशियो मेथड या रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, फिर नेशनल इनकम का फीचर्स लिखो, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, लॉ ड्यूमिक एक्सेप्शन, और टाइप्स ऑफ डिमांड आ सकते हैं, मोनोपोली आ सकते हैं, पीसीएम के फीचर्स। तो ऐसे आएंगे 12, कितने? 12 मार्क के आपको 3 लिखने का, 6-5 आएंगे, कितना लिखने का? 3। अभी सबसे मेन है एग्री डिसएग्री, क्या होता है? ये भी 12 मार्क का है, और इसमें कैसे मालूम है? आपको 3 अटेम्प्ट करना है, और 3 अटेम्प्ट तो करना है, पर क्वेश्चन कैसे आएगा बच्चे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं लिखना क्या है। जैसे कि ये आंसर उठाता हूँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक, तो माइक्रो और माइक्रो अलग है, तो पहले लिखेंगे एग्री, क्या लिखेंगे? 1 मार्क उसका मिलेगा। फिर एक पेज है ना आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, 3-3 लाइन बना के, 4-4 लाइन बना के, माइक्रो माइक्रो के बारे में। डिस्टिंग्विश के थ्रू बना सकते हैं पैराग्राफ, माइक्रो माइक्रो का जैसे समझा वैसे लिख सकते हैं। अब जैसे कि एक क्वेश्चन तुम लोग को समझा देता हूँ, देखो जैसे ये 21 साइट है ना, इसमें एग्री डिसएग्री है किधर, तो फटाक से निकलता हूँ, इधर बंटी मिल जा। हाँ ये देखो, ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, 1 सेकेंड। हाँ ये देखो, ये क्वेश्चन है, अब इधर क्या दिया है, चैप्टर ले लेता हूँ, चल। हाँ, माइक्रो इकोनॉमिक डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक, तो पहले लिखा यस आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट, 1 मार्क इसका ही मिल गया। बाद में माइक्रो मैक्रो के बारे में जितने बारे मालूम है आपको एक पन्ना डाल देने का, 4 पॉइंट लिखा है, अपन कितना लिखेंगे? 6 पॉइंट लिखेंगे, 3-3 लाइन का 6 पॉइंट बना देने का ना। अब इधर क्या बोला है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो दूसरे चैप्टर का। हाँ, सेलर इज ए प्राइस मेकर इन मोनोपोली, यस मोनोपोली में क्या होता है? प्राइस मेकर होता है, यस लिखा। फिर मोनोपोली का फीचर समझा देंगे, किसका फीचर्स? मोनोपोली का। ऐसे तुमको एग्री डिसएग्री लिखना है, राइट? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि एक ये वाला ले लो। हाँ हाँ इधर दिया है, हाँ, फाइन एंड पेनल्टीज आर मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के पास पैसा फाइन और पेनल्टीज आता है, नहीं गलत है, गवर्नमेंट का पैसा कहाँ से आता है? डायरेक्ट टैक्स आता है, कहाँ से आता है? डायरेक्ट इनकम टैक्स, वो सब, तो सब के बारे में डालने का था, राइट? तो अभी इसमें बच्चे लोग का मिस्टेक क्या हो जाता मालूम है क्या? ये छोड़ देते पूरा, अगर कुछ नहीं आया ना सिर्फ एग्री डिसएग्री लिख के आ जाओ, एक एक तो मार्क्स मिलेगा, 3 मार्क्स मिल जाएगा ना, और पाँचों के पाँचों में क्या लिखने का? आंसर लिख दो एग्री डिसएग्री, एक्सप्लेनेशन सिर्फ 3 का देने का, ताकि बाकी कुछ गलत हो मार्क्स तो मिलेगा, राइट? तो ऐसा एग्री डिसएग्री आएगा, और फिर केस स्टडी आएगा, क्या आएगा? तो केस स्टडी का मतलब होगा टेबल आपको बना के लेके सॉल्व करना पड़ेगा, आंसर देना पड़ेगा। तो ऐसे 3 केस स्टडी होंगे, कितने केस स्टडी होंगे? 3, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा या पैसेज में आएगा, 3 में से 2 आइटम करने का, 3 में से कितना आइटम करने का? 2। केस स्टडी भी इजी होता है, फटक से हो जाएगा सॉल्व करेंगे। अब जैसे कि ये टोटल यूटिलिटी दी है, मार्जिनल यूटिलिटी दी है, तो मैं इसको पहले एक समझा देता हूँ, पहले अपने लैंग्वेज में समझाता हूँ, फिर जैसे टी यू का ले लो 10, 17, 22, 24, 24, 22। तो एम यू कैसे लिखने का? ये नंबर मैंने लिख दिया तुम्हारे समझाने के, पहले लिखो 10। एम यू कैसे आएगा? चेंज होता है, मार्जिन मतलब चेंज, इसको इससे माइनस करेंगे 7 आएगा, इसको इससे माइनस करेंगे 5 आएगा, इसको उसको माइनस करेंगे 2 आएगा, इसको उसको माइनस करेंगे 0 आएगा, इसको उसको माइनस करेंगे -2 आएगा। तो ये सेम लिखा ना, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये मिल रहा है ना यार 17। तो ये पहले 6 नंबर सेम लिखेंगे, पहला 6 नंबर क्या लिखा मैंने? सेम लिखा ना, तो 6 और 5 क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा ना, 6 और 5 ऐड हो गया तो कितना आएगा? 11। तो 11 में 6 गया 5 आया ना, 15 में से 11 गया 4 आया, 15 में से 15 गया तो 0 आया, तो इधर 14 लिखना पड़ेगा, 14 में से 15 गया तो -1 आएगा ना, तो ऐसा टेबल बनेगा। और क्वेश्चन बोला है जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है तो मार्जिन यूटिलिटी भी क्या रहता है? जब टोटल यूटिलिटी ज़्यादा रहता है तो मार्जिन यूटिलिटी भी क्या रहता है? ज़्यादा रहता है। टोटल यूटिलिटी जब गिरता है तो मार्जिन यूटिलिटी क्या बन जाता है? नेगेटिव। क्या बन जाता है? नहीं मतलब टोटल यूटिलिटी जब गिरना चालू तो क्या बन जाता है? वो नेगेटिव। तो ऐसा है बॉक्स में डालने का, फिर टेबल बनाने का। और लास्ट क्वेश्चन आएगा ब्रीफ, क्या आएगा? जो 2-3-4 पेज तुमको लिखने का, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ सप्लाई, मोनोपोली का फीचर या पीसीएम का फीचर, मोनोपोलिस्टिक का फीचर या पब्लिक एक्सपेंडिचर या नेशनल इनकम का टाइप्स आएगा या नेशनल इनकम का डिफिकल्टीज आएगा या टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी आएगा, यही आंसर आएगा इधर, है ना? तो 3 आएंगे, 2 लिखने के, 3 आएंगे और
कितने मार्क्स के रहेंगे? 8 मार्क्स के, 3-3 पेज लिखने हैं। तो ये तुम्हारा इकोनॉमिक्स का पेपर था, पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया हूँ, यू हैव टू चेक। ओके, थैंक यू।